हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस मारो एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम राजस्थान से जुड़ी बातों को लेकर आते हैं। किन बातों को? जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होती हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनसे रिलेटेड, जो कुछ भी आपका सिलेबस होता है या स्टडी मटेरियल होता है या जो भी जानकारी आपको मिलनी चाहिए, वो सब हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आते हैं। और इसके अलावा हम आपके लिए लेकर आते हैं सक्सेस स्टोरीज़ उन लोगों की, उन कैंडिडेट्स की, जिन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से और दृढ़ निश्चय से अपना परचम लहरा दिया। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये चैनल और ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि एक बहुत ख़ास इंसान की है, क्योंकि RPSC की ओर से जारी 2018 के RAS के फाइनल रिजल्ट में 42nd रैंक हासिल करके बड़ी सादड़ी के यतीन्द्र पोरवाल ने चित्तौड़ का मान बढ़ाया था। कौन है यतीन्द्र पोरवाल? चलिए आज उन्हीं के बारे में जानते हैं। दो बार IAS के एग्ज़ाम्स में असफल हो गए थे यतीन्द्र, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं हारा और आखिरकार उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ये रैंक हासिल कर ली। माता पिता की शिक्षा से जुड़े होने के कारण शुरू से ही पढ़ाई में उनका मन बहुत लगता था। बड़ी सादड़ी निवासी यतीन्द्र पोरवाल ने अपनी स्कूलिंग सरकारी स्कूल से की। वहाँ के छोटे से स्कूल खरदेवला राजकीय प्राथमिक विद्यालय से 1 से 5वीं कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय से 10वीं कक्षा की पढ़ाई की। यतीन्द्र ने 8वीं बोर्ड में जिला टॉप किया और 10वीं बोर्ड में जिले में 6ठी रैंक हासिल की थी। उनका IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ था और वो IAS भी पास नहीं कर पाए थे, लेकिन उनका हौसला फिर भी डगमगाया नहीं और ना ही उनका मनोबल टूटा। वे बताते हैं कि कई बार अलग अलग सपने देखते थे वो, लेकिन पूरे नहीं हो पाते थे। 11वीं में 12वीं कक्षा के लिए वो कोटा चले गए ताकि IIT कर सके, लेकिन नहीं हो पाया उनका सिलेक्शन। फिर उन्होंने उदयपुर से BTech की। उसके बाद 2016 से 2018 में IAS की तैयारियाँ शुरू कर दी। ग्रेजुएशन के बाद अहमदाबाद से प्लेसमेंट ऑफर अभी आया ही था, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। दो बार IAS के एग्जाम देने के बावजूद भी यतीन्द्र को सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे में यतीन्द्र का कहना था कि कुछ दिनों के लिए तो काफ़ी निराशा उन्हें हुई थी, लेकिन उन्हें लगा कि यह सब छोड़ देना चाहिए। पर फिर उन्होंने याद किया कि मैं किस लिए सब कर रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने फिर से शुरुआत कर ली। अपना मनोबल उन्होंने बनाए रखा। एक ही महीने में जब उन्हें डबल खुशी मिली तो बहुत खुशी हुई थी उन्हें, उनके पांव ज़मीन पर नहीं थे। 25 वर्षीय यतीन्द्र का कहना है कि उन पर किसी तरह का दबाव कभी भी नहीं रहा। सिलेक्शन नहीं होने पर परिवार ने साथ ही दिया, आगे बढ़ने को कहा। पिता अभी खरदेवला के स्कूल में प्रिंसिपल हैं और इसी महीने उनके पिता का प्रमोशन भी हुआ है और ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बन चुके हैं। एक ही महीने में मिली दो खुशियों को पोरवाल परिवार सेलिब्रेट कर रहा था। माँ भी खरदेवला के स्कूल में हिंदी लेक्चरर हैं और यतीन्द्र ने कहा कि धैर्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा पॉजिटिव रहने, राइट डायरेक्शन को चुनने की भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी की खुद की कड़ी मेहनत करने की। यतीन्द्र बचपन से ही बहुत टैलेंटेड रहे हैं। उन्होंने अपने कॉलेज के दौरान इसरो के वैज्ञानिकों से ट्रेनिंग ली। इंजीनियरिंग के पढ़ाई के साथ साथ वो कई एक्टिविटीज़ में भी भाग लेते थे। इसी समय यतीन्द्र ने एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया, जो कि टर्की की एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए सिलेक्ट भी हुआ था। पटवारी पोस्ट के लिए भी उनकी जॉब लगी थी, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। उन्होंने शुरू से ही अपना टारगेट सेट कर रखा था, इसलिए उनका ग्रेजुएशन के समय 2015 में जब पटवारी परीक्षा में सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने उसे नहीं चुना। प्रशासनिक सेवा की तैयारी उनका लक्ष्य था, इसलिए उन्होंने नौकरी को उस वक्त तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर आखिरकार उन्होंने RAS की परीक्षाएं दी और उसके अंदर उनका चयन भी हुआ और आखिरकार उन्होंने अपनी मंजिल पा ही ली। तो ये थी कहानी यतीन्द्र जी की। देखिए कितनी असफलताएं हाथ लगी, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना मनोबल नहीं तोड़ा। तो आप भी दोस्तों अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग रख के, अपने दृढ़ निश्चय को बिल्कुल
ठोस रख के पढ़ाई कीजिए, यकीनन आप कामयाब होंगे। तो चलती हूँ मैं, मिलूंगी मैं फिर आपसे यही हमारे महारो एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, और तब तक आप अपनी तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ख्याल रखिए। थैंक यू।